आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल पॉलीक्लोरिनेटेड पॉली की जो कॉन्सनट्रेशन है काफ़ी फिश पॉपुलेशन में वो डिक्लाइन हो रही है क्यों क्योंकि तब से जब से बैन हो गया है इसके प्रोडक्शन पे फ्रॉम लेट नाइनटीन तो जो पी सी हैं दे रिमेन अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम रहे हैं बिकॉज ये लिपोफिलिक होते हैं लिपोफिलिक मतलब दे आर एक्यूमुलेटेड इन फैट ये फैट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दे आर नोन टू बायो मैग्नीफाई बेस्ड ऑन दिस नॉलेज वॉट टाइप ऑफ फिश इज एक्सपेक्टेड टू बी सेफेस्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए हैं पिसीवोरस फिश स्पीशीज ये वो फिश होती हैं जो कि ईट करती हैं दूसरी फिशेज को राइट ऑप्शन बी इज बेंथीवोरस फिश स्पीशीज ये वो स्पीशीज या वो ये वो फिश स्पीशीज होती हैं जो कि फीड करती हैं या ईट करती हैं इन वर्टिब्रेट्स को जो कि लेक के बॉटम में रहता है फिर ऑप्शन सी है स्मॉल यंग फिश ऑप्शन डी है फिश स्पीशीज विथ हाई फैट कंटेंट तो अगर हम बात करें पी की राइट विच इज पॉली क्लोरिनेटेड ये हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं सचास डीडी टी राइट और ये हमारे पास करते हैं इनटू फूड चेन ये पास करते हैं इनटू फूड चेन राइट और ये फूड चेन में पास करते हैं इनका जो अमाउंट होता है राइट दे इंक्रीज इन अमाउंट ये इंक्रीज़ हो जाते हैं अमाउंट में पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा विद इंक्रीज़ इन ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू देर एक्यूमुलेशन इन फैट ड्यू टू देर एक्यूमुलेशन इन फैट बेसिकली होता क्या है कि जो ये हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि डीडीटी ये जैसे ही पास करते हैं फूड चेन में ये इंक्रीज़ हो जाते हैं अमाउंट में पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इनक्रीज़ इन ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है इनका जो अमाउंट होता है पर यूनिट वेट वो इंक्रीज होता जाता है क्यों क्योंकि इनका एक्यूमोलेशन हो जाता है फैट टिश्यू में राइट right? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें सपोज़ जो डीडीटी हमने क्रॉप फील्ड्स में स्प्रे किया था वो सर्फिस रन ऑफ के साथ रेन के साथ साथ वाटर uh, में या लेक रिवर वाटर या लेक में आ गया राइट right? तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें चला गया वो राइट right? तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो डीडीटी का कॉन्सनट्रेशन होगा वो सबसे कम होगा फिर इन एक्टिक प्लांट्स को जो ने खाया उन जुओ प्लैंक्ट्स को स्मॉल फिश ने खाया एंड देन उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया तो हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें मिनिमम डीडीटी कंसंट्रेशन होगी जबकि जो लार्ज फिश है उसमें मैक्सिमम डीडीटी कंसंट्रेशन होगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन जहाँ पर जैसे जैसे हमारे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ होता है उसके साथ साथ अलोंग विद दैट हमारा जो लेवल है डीडीटी का या किसी भी पेस्टिसाइड का वो भी इंक्रीज होता है राइट right? तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे तो वो फिश जो सेफ होगी ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो वो फिश होगी जो कि लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगी राइट right? तो वहीं अगर हम बात करें तो जो सेफेस्ट फिश होगी फॉर ह्यूमन कंजप्शन उसका क्राइटीरिया होगा कि वो बिलोंग करे टू लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल क्योंकि जितना लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें उतना ही लेसर अमाउंट होगा उसमें उतना ही लेसर अमाउंट होगा पी का यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफनाइल्स तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वो फिश हो जाएगी हमारी स्मॉल फिश राइट तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्यों क्योंकि जो स्मॉल फिश है उसमें हमारा लीस्ट अमाउंट होगा राइट तो हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज स्म इट विल बी फिट फॉर कंजन राइट क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर